लोग अपने घर का पेट डॉग जंगल में मरने के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो उनके किसी काम का नहीं रह जाता। तो ऐसे ही बच्चों को मैंने रेस्क्यू करा। हीलिंग साथी की हमने शुरुआत करी देहरादून में, दो कमरों से मैंने शुरुआत करी और आज की डेट में हमारे शेल्टर होम में 70+ एनिमल्स हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हीलिंग साथी ने किसी डॉग को लेने से मना करा, पर अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है क्योंकि जो हमारा करंट शेल्टर होम है वो इतना छोटा पड़ चुका है, 20-25 डॉग्स एक कमरे में रहते हैं, अबैंडेंड करे गए हैं या किसी क्रूरिटी का शिकार है या फिर डॉग्स एक्सीडेंट की वजह से ज़िंदगी भर के लिए पैरालाइज्ड हो चुके हैं, ब्लाइंड हो चुके हैं। 2 साल के अंदर हमने लगभग 200 से भी ज़्यादा एनिमल्स को रेस्क्यू करके उनका ट्रीटमेंट करके अडॉप्ट करवाया है। बरसातों में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, पानी भर जाता है, 10-15 डॉग्स बैम्बू में रहते हैं, कुछ डॉग्स हमारे केज में रहते हैं जिनकी सर्जरीज हो रखी है, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हमें होती है उनकी ड्रेसिंग करने में। कैसे मैं इनको एक बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाऊँ, कैसे मैं इनको बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाऊँ, जगह चाहिए, फंड चाहिए, और ये सब हम तभी कर पाएंगे अगर आप कैंपेन में मटेरियल डोनेट करें ताकि हम वक्त रहते हमारे बच्चों के लिए एक नया घर बना पाएं।